हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे बात करें महेश बाबू की मच अवेटेड फिल्म सरकार उवारी बाटा की, तो आपको बता दें कि परशुराम के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म को लेकर फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं। वहीं आपको बता दें कि परशुराम ने गीता गोविंदम भी बनाया था, जो काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई थी, जिसमें विजय देवकोंडा और रश्मिका मंदाना साथ नजर आए थे। वहीं बात करें सरकार उवारी पाटा की, तो आपको बता दें कि इस फिल्म में महेश बाबू और कीर्ति सुरेश साथ में नजर आने वाले हैं। वहीं पहले खबर आ रही थी कि सरकार उवारी पाटा से एक टीज़र रिलीज किया जाएगा 31 मई को, वो भी सुपरस्टार कृष्णा के बर्थडे के दिन, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसे सुनकर फैंस काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि महेश बाबू इस चीज़ के लिए अग्री नहीं हो पाए हैं। महेश बाबू ने कहा है कि उस दिन कोई भी टीज़र रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण बहुत चीज़ ख़राब चल रहा है। वहीं लॉकडाउन में वो टीज़र रिलीज़ करने के लिए ना कह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि फैंस के लिए एक छोटा सा सरप्राइज ज़रूर है। जी हाँ, महेश बाबू अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने एक छोटी सी अपडेट दी है। उन्होंने कहा है कि टीज़र तो नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 31 मई को एक छोटा सा सरप्राइज मिलेगा। वो ये भी हो सकता है कि शायद कोई नया पोस्टर रिलीज़ हो सरकार उवारी पाटा का। अब देखना यह है कि आखिर 31 मई को कौन सा सरप्राइज फैंस को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।